नमस्कार दोस्तों, मैं पप्पू सर आपके अपने यूट्यूब चैनल पप्पू स्पोर्ट्स क्लब में स्वागत है। स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, इस वीडियो में बीटीएससी एनएम 10709 पोस्ट के रिगार्डिंग बात करने वाले, जो आज के डेट में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, बीटीएससी आयोग की तरफ से और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बीटीएससी एनएम 10709 पोस्ट के रिगार्डिंग जो भी अपडेट निकल के आई है, इस वीडियो में सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में बात करने वाले हैं। इसलिए यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो बीटीएससी एनएम 10709 पोस्ट का फॉर्म भरे और चाहते हैं या वैकेंसी पहुंचने के आधार पर क्लियर हो, तो बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखिएगा। इससे पहले हमारे चैनल पर अपने चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन ऑन करिएगा डेली बेसिस ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। दोस्तों वीडियो में बने रहिए, चलिए बिना समय गवाए सभी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में बता रहे हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, हमारे सूजी सर कल फिर से सामान्य प्रशासन विभाग के मुख्य सचिव से मिलने के लिए गए। क्या बातचीत हुई है मुख्य सचिव से, जो लेटर दिए थे काउंसलिंग के रिगार्डिंग, तो सामान्य प्रशासन विभाग के मुख्य सचिव सर को क्या बोले, कब से काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है, और जिस समय नाइट में आपके साथ हम लाइव थे उसी समय सर का मैसेज मेरे पास आ चुका था। तो चलिए मैसेज के माध्यम से 32,170 सैन्य बहनों को सर क्या खुशखबरी दिए हैं, सारी जानकारी इस वीडियो में बताए हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए। दोस्तों स्क्रीन पर एक मैसेज देख रहे हैं, फाइनली सूर्जी सर का मैसेज मेरे पास आ गया है। नाइट में ही मैसेज आ गया था जिस समय आपके साथ लाइव थे, और अक्सर सूर्जी सर मैसेज के माध्यम से ही 32,170 सैन्य बहनों को खुशखबरी देते हैं। कल सूर्जी सर फिर से सामान्य प्रशासन विभाग के मुख्य सचिव से मिलने के लिए गए थे, जो लेटर दिए थे, क्या लेटर पर काम हो रही है या नहीं हो रही है, सामान्य प्रशासन के मुख्य सचिव सर को क्या बोले, क्या खुशखबरी सूर्जी सर मैसेज के माध्यम से 32,170 सैन्य बहनों को दिए हैं, इस वीडियो में सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में बताने वाले हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों देख लीजिए, सम्मानित भाइयों एवं बहनें, आप सभी को बताना चाहता हूं कि अगर कोई इंसान कोई काम बहुत ही ईमानदारी पूर्वक, बहुत शिद्दत के साथ, अपनी कलम की मजबूती से, भारत के अपना मौलिक अधिकार के अनुसार अगर कोई काम करता है और साक्ष्य के साथ आवेदन में प्रस्तुत करता है, बिना डर भय का निर्भीक होकर काम करता है, तो उससे अच्छे अच्छे लोग की पसीना छोट। पसीना छोड़ जाती है। आज वैसा ही एक छोटा आदमी सुरजीत कुमार के नेतृत्व में बीना कुमारी सभी 32,000 बहनों के भविष्य के लिए मुख्यमंत्री से लेकर सरकार के सभी जगह मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव, स्वास्थ्य मंत्री एवं प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग को दिया, जिसकी लेटर से पूरे बिहार की बड़े बड़े महकमा की हैकरी बहुत जल्द समाप्त होगी। इसीलिए मैं जो काम में लगता हूँ, जब तक अंजाम तक नहीं पहुँचाता तब तक उसे नहीं छोड़ता हूँ। इसलिए बहुत गोपनीय बातें हैं, मैं पोर्टल पे नहीं बता सकता, लेकिन इतना ज़रूर, देखिए यहाँ पर लिख दिया ना, गोपनीय बातें हैं, पोर्टल पर सर नहीं बता सकते। चलिए आगे बताते हैं, आगे देख लीजिए। इसलिए बहुत गोपनीय बातें हैं, मैं पोर्टल पे नहीं बता सकता, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा, जिस काम में लगा हूँ, चाहे कोर्ट का हो या सरकार स्तर पे हो, जीत सुनिश्चित है। जिस ग्रुप में अंजू जी जैसा क्रांतिकारी सहयोगी रहेगी, जीत सुनिश्चित है। फिर कहूँगा, सबकी झोली बहुत जल्द भरेगी। धन्यवाद सुरजीत कुमार, संयुक्त मंत्री। तो दोस्तों देख लीजिए कितना अच्छा से सर लिखे हैं, मैसेज लिखे, मैसेज में ही हर एक चीज़ बता दिए हैं। समझने वाले पर्सन समझ गए, समझने वाले पर्सन के लिए इशारा ही काफ़ी, आप समझ गए होंगे। जिस काम में सुरजीत सर लगते हैं, अंजाम तक पहुंचा के ही सुरजीत सर छोड़ते हैं, वो काउंसलिंग को लेके हो या सुप्रीम कोर्ट केस को लेके हो। इसलिए आप लोग की घबराने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे बात कर लेते हैं, आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों आप देख लिए, सर मैसेज के माध्यम से ही आपको अपडेट देते हैं। अक्सर सर मैसेज के माध्यम से जो भी वर्क करते हैं 32,170 सैन्य बहनों के लिए, तो अक्सर सर मैसेज के माध्यम से ही अपडेट देते हैं, और आप लोग समझ भी रहे हैं, और जितना मैसेज लिखे हैं मैसेज के माध्यम से ही आपको सर समझा चुके हैं। जो भी काम में सर लगते हैं पूरे शिद्दत के साथ, वो काम अंजाम तक पहुंचा के हमारे सूर्य सर छोड़ते हैं, वो केस हो, सुप्रीम कोर्ट का केस हो या काउंसलिंग हो। इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। हर चीज़ आपको शेयर नहीं कर सकते, जब तक काम होगी नहीं तब तक हर चीज़ आपको शेयर नहीं कर सकते, ठीक है।
इसीलिए क्योंकि थोड़ा सा इंटरनल रखना भी जरूरी है, समझे, क्योंकि अगला पर्सन को लोग को लगता है और आप लोग भी लगता है, नहीं पप्पू सर हर चीज़ जो है ना सोशल मीडिया पर बता देते हैं, इसलिए 32 या 127 से अन्य बहनों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, इसीलिए थोड़ा सा इंटरनल रखना है। अब सुजीत सर का भी मैसेज उसी के हिसाब से आता है, समझे, इसीलिए आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, नहीं आपको परेशान होना है, 100% हम लोग की जीत होगी, ठीक है, 100% काउंसलिंग होगी, आप लोग की घबराने की आवश्यकता नहीं, हमारे सुरजीत सर बड़े शिद्दत के साथ लगे हुए और सुरजीत सर जिस काम में लगते हैं उस काम को अंजाम तक पहुंचा के ही छोड़ते हैं, इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, आप लोग की एक ही काम करना है, अधिक से अधिक सुरजीत सर को सपोर्ट करना, आप लोग सुरजीत सर को सपोर्ट नहीं करते क्योंकि आपको पता होना चाहिए सुरजीत सर को सपोर्ट ही करना, ओनली फॉर हमारे एक ही लीडर, और 11 लाख जो है ना पेमेंट देना है, तो धीरे धीरे पेमेंट देंगे तभी तो, नाइट में भी हम आपको समझाया, जो चाह के भी आप लोग चाहिएगा एक दिन में हम 11 लाख इकट्ठा कर लेंगे संभव नहीं, थोड़ा थोड़ा अगर देंगे उसके बाद ही संभव है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है हम आपको बोल रहे हैं क्लास लेने के लिए, क्योंकि 1 जुलाई से क्लास स्टार्ट हो रही धुआंधार बैच, समझे कि नहीं, क्योंकि न्यू वैकेंसी 15,089 पर अभी न्यू वैकेंसी आ रही है, स्कैनर लगा दिए हैं, ठीक है, अपना स्कैनर लगा दिए, नंबर लगा दिए, जिसको भी लेना है तो 399 में फ़ोनपे गूगल पे पेटीएम से 399 रुपये आपको कटवाना है, और यही मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आपको स्क्रीन शॉट भेज देना है, ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1 जुलाई से धुआंधार बैच ये स्टार्ट हो रही है और ये वैकेंसी के बारे में हम आपको बताते हैं और न्यू वैकेंसी की तैयारी भी हम आपको करवाएंगे 1 जुलाई से, क्योंकि तैयारी नहीं कर पाइएगा तो फिर दिक्कत है, आगे विधानसभा का चुनाव है इसलिए यह वैकेंसी दिया गया, अगर आप इसमें तैयारी नहीं कर पाइएगा तो ये भी आपके हाथ से वैकेंसी जाएगी और आने वाला वैकेंसी भी आपको हाथ से जाएगी, जुलाई में 15 जुलाई से लगभग फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएगी, इसलिए सभी स्टूडेंट कोर्स परचेज कर लीजिए, स्कैनर लगाए हुए, नंबर लगाए हुए, जैसे आपको सुविधा होता है वैसे आप कोर्स परचेज कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग आते हैं 12 बजे लाइव में, तो डिटेल्स में और भी टॉपिक पर हम लोग बातचीत करने वाले और डिटेल्स में हम उनको डिस्कस करने वाले हैं, जो कब तक बीटीसी आयोग के द्वारा नोटिस जारी कर सकते हैं, बीटीसी आयोग कब तक नोटिस जारी कर सकते हैं, आगे काउंसलिंग की प्रक्रिया कब से स्टार्ट होगी, और सबसे खुशी की बात आज है, आज आपको पोर्टल पे, सुप्रीम कोर्ट के पोर्टल पे न्यू हेयरिंग डेट देखने को भी मिल सकती है, क्योंकि शनिवार को ही शनिवार सभी केस अपडेट होते हैं, सभी केस चलते हैं, देखिए जैसे ही अपडेट होगा सबसे पहले हम आपको जानकारी दे देंगे। दोस्तों इस वीडियो में जो भी बताना चाह रहे हैं आए हो कि आप लोग समझ गए होंगे, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन पर सेट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, जैसे ही कोई भी अपडेट आएगा वीडियो बनाएंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। थैंक यू।